हमारे देश का व्यापारी क्या चोर है, क्रिमिनल है? फिर क्यों उसके साथ हमारे देश की यूपी स्टेट में जितने भी व्यापारी हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है? इनके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट द्वारा रेड मारी जा रही है। पुलिस कर्मियों को साथ ले जाकर अपनी पूरी टीम के साथ दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है कि बिजनेस को ठप करने की कसम खा रखी है। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट में जरूर लिखिए। हमारे देश का व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मेंटेन करने में उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारे देश का व्यापारी क्या चोर है, चोरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है? क्या हमारे देश का व्यापारी क्रिमिनल है? फिर क्यों उसके साथ हमारे देश की यूपी स्टेट में जितने भी व्यापारी हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है? अब यूपी स्टेट के जो छोटे छोटे राज्य हैं, सिटी हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। जैसे लखनऊ, अमेठी, ये इसमें लिखा हुआ है, फरुखाबाद, लखीमपुर, आगरा, और इसके अंदर ये रायबरेली, गोंडा, बरेली, ठीक है, और ये इस तरह के जो शहर हैं इनके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट द्वारा रेड मारी जा रही है। और किन व्यापारियों पर, ये जो छोटे छोटे व्यापारी, जो दुकानदार हैं, जो दुकानें खोलकर बैठे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है? छापेमारी की जा रही है, पुलिस कर्मियों को साथ ले जाकर अपनी पूरी टीम के साथ दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। बेचारे इतने डर के माहौल में अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं, मतलब इतने टेंशन में है कि बिजनेस को ठप करने की कसम खा रखी है। ये इलेक्शन से पहले तो इस तरह से होते हैं जो हमारे देश के जो मंत्री हैं, जो वोट मांगने आते हैं, और इलेक्शन के बाद कुछ इस तरीके से मतलब व्यवहार करते हैं हमारे देश के व्यापारियों के साथ, क्या ये सही है? देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको ये सब चीजें दिखाई जाएंगी। मुझे एक्चुअली में ये सब एक न्यूज के माध्यम से पता चला है, और उस न्यूज को अपने जो YouTube चैनल पर मैं मतलब चला नहीं सकता, ये YouTube पॉलिसी के अगेंस्ट है कि किसी दूसरे की वीडियो को मैं इस तरह से शो नहीं कर सकता। बट ये जो भी पूरा वाक्य है, जो भी मैंने देखा है न्यूज में, इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ठीक है, उसके अंदर आप जाइए और प्लीज आप देखिए, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए क्या ये सही है, कैसा होना चाहिए, क्या हमारे देश के व्यापारियों को चोरों की तरह, क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, जिनसे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बनी रहती है, हमारे देश को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? फिर कोई नया व्यापारी बिजनेस में आएगा ही नहीं, और जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो कैसे हमारा देश आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा और आगे बढ़ेगा और हमारे देश को। आपको वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने इस YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपके अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए, अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।